रियासी जिला कार्यालय से करीब 60 किलोमीटर एवं कटरा शिवखोड़ी के अंतर्गत आते तनुआ गांव में रैना टूर एंड ट्रेवल द्वारा पैराग्लाइडिंग की पहल की गई है, जिसका आनंद रियासी जिले के शिवखोड़ी धार्मिक स्थान तथा कटरा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले हजारों श्रद्धालु उठा सकेंगे। वहीं एजेंसी के मालिक का कहना है कि पिछले 15 दिनों में उन्होंने 50 सफल परीक्षण किए हैं और कुछ और दिनों के परीक्षण करने के बाद वह नियमित आधार पर पैराग्लाइडिंग शुरू कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से पूरा समर्थन मिलने की आशा है। हमारा आज 15 दिन से यहाँ पर हमारा ट्रायल चल रहा है, जिसमें हमारे सबसे पहले एडी टूरिज्म उमेशान जी आए थे। उन्होंने इस जगह का पहले आके पूरा देखा, इस जगह को देख करके उन्होंने बोला भी है हमें कि यहाँ पर काम चलेगा। फिर उसके बाद दूसरी बार उनकी ही टीम एडी उमेशान सर आए थे और हमारे डिप्टी डायरेक्टर एडवेंचर अत्री सर आए थे। उन्होंने पूरा यहाँ पर आके देख करके काफ़ी खुश भी हुए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ पर अच्छा काम चलेगा और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं और वही यात्री शिवखोड़ी धाम भोले बाबा के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। तो अब इसी बीच रास्तों में यात्रियों को पैराग्लाइडिंग करने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिससे टूरिस्ट को काफी बढ़ावा मिलेगा और लोगों का रोजगार भी काफी बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भी इस कदम की काफी सराहना की है। ये पॉइंट मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में है तो और सर इस पॉइंट का जो है हमारे गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि बेरोज़गार हैं हमारे भाई, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारे जो दूर से यात्री वगैरह आते हैं वो भी आते हैं, इधर कोई नज़दीक में कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे बन रहा है। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।